नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज गाड़ी गुरु से। दोस्तों, आज हम आपके लिए फिर से एक बार नई वीडियोस लेके आए हैं, जैसे सेकेंड हैंड कार खरीदने से पहले क्या क्या सावधानी बरते। दोस्तों, इससे पहले जो वीडियो मैंने बनाया था, उस वीडियो में मेरी वॉइस कम थी और साथ ही कुछ चीज़ें सही से क्लियर नहीं हो पाई थी, जैसे कैमरा हिल रहा था इस वजह से। तो आज हम दोस्तों फिर से एक बार नई वीडियोज़ लेके आए हैं, जैसे हम सेकेंड हैंड कार खरीदने से पहले क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए और क्या क्या देखना चाहिए। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जब भी हम सेकेंड हैंड कार को देखते हैं तो देखने से ही पहले तो पता चल जाता है कि बाहर की कंडीशन कैसी है। जैसे हमारे सामने ये जो गाड़ी है, इसकी बाहर की कंडीशन ठीक है। अब हमें ये पता करना है कि इसका कैसा है, इसका इंजन कैसा है, ये सब चीज़ें हमें पता करना पड़ता है। तो आइए सबसे पहले हम शुरू करते हैं चेचिस से। सबसे पहले हम इसकी चेचिस देखते हैं। चेचिस में इसके जैसे बम्फर्स देते हैं कि बम्फर इसके जुड़े हुए तो नहीं है, या फिर कुछ लोग होते हैं यहाँ टूट जाता है तो पुट्टी भर करके यहाँ पे अब वो पेंट करा देते हैं, पता नहीं चलता है। बॉडी का कलर छूने से पता चल जाता है कि बॉडी बाहर का पेंटेड है या अंदर की पेंटेड है, कंपनी फिटेड पेंट है या बाहर की पेंट है। साथ ही इसके विंडशील्ड वगैरह देखेंगे, शीशे देखेंगे कि सही है या नहीं है। उसके बाद हम दोस्तों इसका जो आप देख सकते हैं क्वार्टर पैनल है, इस गाड़ी में यहाँ पे बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पे ये पुट्टी भर के पेंट हुआ है। ये आप देख सकते हैं गाड़ी का जो क्वार्टर पैनल है वो बहुत डैमेज में आ रहा है, यानी ये पहले गाड़ी एक्सीडेंट से बन चुकी है। इसके अलावा हम डोर्स पे देखेंगे, डोर्स को हम ऐसे विद्युत सीट हटा करके देखेंगे इसके पेंट की पोजीशन क्या है। गाड़ी यहाँ से जंग तो नहीं लग रही है, क्योंकि जो भी जंग लगता है दरवाजे में वो यहाँ से सबसे पहले लगता है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे भी हम खोल के देख लेते हैं कि यहाँ क्या पोजीशन है। ये आराम से कोई भी निकाल सकता है। ये देखिए, इसकी पोजीशन सही है, दरवाजे ये इसका मतलब सही है, फर्स्ट क्लास के दरवाजे हैं। इसके बाद हम सारे डोर्स के क्वार्टर पैनल्स को चेक कर लेंगे, डोर्स के फाइबर्स को चेक कर लेंगे कि इसके फाइबर्स सही है या नहीं है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे गाड़ी बनी हुई है, जो दिख रहा है ये डैमेज है, यानी गाड़ी में जंग लग रहा है। इसका मतलब गाड़ी का जो वैल्यू हो वो बहुत ही कम हो सकती है इसकी। अब हम इसके बाद डिग्गी चेक कर लेंगे। तो दोस्तों, हम आपको बताना चाहेंगे, जैसे हम गाड़ी जब भी सेकेंड हैंड लेते हैं तो उसमें हमें टूल्स वगैरह भी चेक करने होते हैं, साथ ही डिग्गी की पोजीशन चेक करनी होती है कि वो जंग लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो आइए डिग्गी चेक कर लेते हैं। इसको हम रिमूव कर लेते हैं, क्योंकि रिमूव करने से ज़्यादा अच्छे से दिख जाएगा। ये आप देख सकते हैं इसकी डिग्गी एकदम साफ सुथरी लग रही है, यहाँ आप देख सकते हैं कहीं भी जंग नहीं लग रहा है। अब हम इसको निकाल के देख लेते हैं एक बार, क्योंकि गाड़ी दोस्तों हमें लेनी होती है, इसलिए हमें पूरी तरह कंफर्म हो जाना चाहिए कि गाड़ी के अंदर की क्या पोजीशन है। ये हम देख सकते हैं स्टेपनी इसकी पुरानी रखी हुई है, यानी स्टेपनी यूज है। बाकी जो डिग्गी साइड की चेचिस है वो कहीं से भी गली नहीं है, क्योंकि डिग्गी साइड लोग बहुत कम साफ़ करते हैं और यहाँ की चेचिस जल्दी गलती है। तो ये हम देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी चेचिस गली नहीं है, स्टेपनी इसमें है, साथ ही इसके टूल्स बराबर हैं पूरे, और जैक भी है। गाड़ी में जैक टूल्स ये होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कब क्या दिक्कत आ जाए ये कोई नहीं जानता है। ये हमने रख दिया है इसको, इन्होंने इसमें मैट भी लगाया है, बहुत अच्छा होता है ये मैट लगाना, इससे देखिए गाड़ी एकदम सेफ रहती है, अंदर धूल नहीं जाते हैं। अब हम इसे पार्सल ट्रे को भी यहाँ पे लगा देते हैं, साथ डिग्गी पे भी चेक कर लेंगे क्या पोजीशन है, इसकी डिग्गी कहीं से गली नहीं है। तो डिग्गी हमारा सही है दोस्तों, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब हम इसको मतलब ये गाड़ी जो है वो पीछे से एकदम सही है, लेफ़्ट साइड से थोड़ा सा डैमेज है, खैर उसको कोई दिक्कत नहीं, वो बन जाएगा। अब हम ड्राइवर साइड का पोजीशन देख लेंगे कि क्या पोजीशन है। गाड़ी की साइड प्रोफाइल देखने के बाद अब हम डिग्गी देखें, डिग्गी देखने के बाद अब हम ड्राइवर साइड की सारी चीज़ें देख लेंगे, क्या वो डैमेज तो नहीं है, डैशबोर्ड डैमेज तो नहीं है, ये सब चीज़ें हम चेक कर लेंगे।
आइए चेक करते हैं। सबसे पहले तो हम इसकी बॉडी देख लेंगे, बॉडी कहीं से डैमेज तो नहीं है। खैर इसकी बॉडी बहुत ही अच्छी है, लेकिन एक जगह हमें डैमेज दिख रही है, उससे कोई दिक्कत नहीं, वो हमारा 1500 रुपये में बन जाएगा। अब हम इंजन देख लेंगे, क्योंकि गाड़ी का मेन पार्ट जो होता है वो इंजन होता है, इंजन की क्या पोजीशन होती है वो हमने देख कर चेक करना बहुत ज़रूरी है। तो आइए सबसे पहले हम इंजन चेक कर लेते हैं। अब हम इसका बूट खोल लेंगे। बूट खोलने के बाद इंजन की पोजीशन देख लेंगे, इंजन का रखरखाव कैसा है। इंजन चेक करते समय हम इन बातों पे ध्यान रखेंगे। ये देखिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, गाड़ी अधिकतर आगे से या पीछे से लड़ती है। आगे से अगर डैमेज होती है तो उनका ये सब जो जॉइंट होता है, अगर ये सब डैमेज है तो आप देख सकते हैं ये जो जॉइंट होते हैं, अगर ये कहीं से आपको डैमेज दिखे तो गाड़ी आप ना लीजिए, या लेना हो तो बहुत ही कम रेट लगाइए। अगर ये सब डैमेज नहीं है तो इसका मतलब आपकी गाड़ी एक्सीडेंट नहीं हुई है आगे से। अगर आगे से एक्सीडेंट होती है तो ये सब चीज़ें लेफ़्ट या राइट से अगर होती है तो ये सब चीज़ें टूट जाती हैं, और जैसा कंपनी वेल्डिंग करती है वैसा बाहर का वेल्डर्स नहीं कर पाते हैं। ये आप इसको देख करके आराम से पकड़ सकते हैं कि गाड़ी किस साइड से एक्सीडेंट है। साथ ही इसके लंबर सपोर्ट देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं कि सही है, कोई डैमेज नहीं है। और हम बोनट के अंदर, हम दोस्तों इस होल में लाइट जला के चेक कर सकते हैं कि इस होल के जो अंदर की पेंट है वो कंपनी फिटेड है या नहीं। अगर गाड़ी का बोनट भी चेंज होता है तो ये पेंट से हमें पता चल जाता है कि ये बाहर की है। जैसे इस गाड़ी का देखिए बोनट चेंज है, बोनट चेंज है, इसलिए ये इसके अंदर का पेंट देखिए ब्लैक कलर्स का है। ये आपको दिख रहा होगा एकदम साफ साफ, ये देखिए ब्लैक कलर्स का है, इसका मतलब इसका बोनट चेंज हुआ है, और बाहर से ब्लू सिल्वर कलर का है। चेक कर लेते हैं इसके इंजन के बारे में। अब हम इंजन चेक करने से पहले सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि गाड़ी को स्टार्ट कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं हमने गाड़ी को स्टार्ट कर लिया है। गाड़ी स्टार्ट करने के बाद हम यहाँ से रेस लेकर के इसके साउंड चेक कर लेंगे कि ऐसा तो नहीं कुछ एक्स्ट्रा साउंड आ रही हो। गाड़ी चेक करने के बाद हम इसकी स्ट्रिप निकाल लेंगे ऑयल चेक करने वाले की, ऐसा पकड़े, ये आप देख सकते हैं। अगर इसमें इंजन में कोई भी तरीके की दिक्कत होगी तो यहाँ से आप देख सकते हैं इसमें से धुआं निकलेगी गाड़ी से, अगर इंजन में कोई दिक्कत होगा तो। कोई धुआं नहीं निकल रहा है इसमें, अगर इसका इंजन डैमेज होता तो यहाँ से इसका धुआं निकलता। इंजन ऑयल की कंडीशन चेक कर लेंगे, इसकी इंजन ऑयल की कंडीशन चेक कर लेंगे कि इंजन ऑयल क्या पोजीशन है, यानी गाड़ी सर्विस कब हुई है, इसकी क्या पोजीशन है। अब हम ऑयल वाला कैप निकाल करके चेक कर लेंगे। यहाँ से भी हमें कोई भी धुआं नहीं निकल रहा है। अगर गाड़ी का इंजन कोई भी ज़रा सा भी डैमेज होगा तो यहाँ से और इसमें से धुआं निकलेगा, और धुआं निकलेगा तो गाड़ी का इंजन में कम से कम 25 से 30 हज़ार रुपये का खर्चा आना तय होता है, तो उसी हिसाब से आप उसका रेट लगा सकते हैं। ये सारी चीज़ें देखने के बाद हम बाकी इंजन के पोजीशन को देख लेंगे कि सही है या नहीं है। इसकी बैटरी की पोजीशन हम चेक कर लेंगे कि बैटरी की क्या पोजीशन है, ऐसा तो नहीं बहुत पुरानी बैटरी हो या स्टार्टिंग में दिक्कत हो। और स्टार्टिंग चेक करने के लिए हम दोस्तों गाड़ी को कम से कम 3 से 4 बार सेल्फ लगातार लगाएंगे तो बैटरी की पोजीशन पता चल जाती है। हमने दोस्तों गाड़ी के बारे में सारी चीज़ें जान ली है, जैसे इसका चेसिस कैसा है, इसका इंजन कैसा है, वो सब चीज़ें सही है। चेसिस थोड़ा सा गड़बड़ है वो कोई दिक्कत नहीं, वो बन जाता है। लेकिन अगर इंजन ज़्यादा गड़बड़ है तो इंजन गड़बड़ होने का मतलब अगर इंजन खुलता है तो कम से कम 40 से 50 हज़ार रुपये का खर्चा आता है। तो इंजन हमें पर्सनली चेक करना है कि इंजन की क्या पोजीशन है। बहुत लोग ऐसी गाड़ी ऊपर से साफ़ सुथरी करके बेच देते हैं, बाद में पता चलता है इसका इंजन काफ़ी डैमेज है। सारी चीज़ें चेक करने के बाद दोस्तों अब हम इसका पेपर चेक कर लेंगे।
गाड़ी का पेपर चेक करने का सबसे अच्छा तरीका होता है आप आरसी, इंश्योरेंस और प्रदूषण पहले चेक कर लीजिए। ये हमारे पास तीनों पेपर है। प्रदूषण हम चेक कर लेते हैं कि कब से है, इसका कोई इशू नहीं। इंश्योरेंस से वैल्यू हम चेक कर लेंगे, जैसे गाड़ी की वैल्यू अगर इंश्योरेंस में 2.5 लाख रुपए दिखा रहा है या फिर 4 लाख या 8 लाख दिखा रहा है तो उससे आप 30% कम कर दीजिए, फिर आप रेट लगाइए। उसके बाद जो भी चीज़ इसका डैमेज है, जैसे चेचिस डैमेज है, तो आपने जैसे सपोज़ करते हैं कि 8 लाख रुपए गाड़ी की वैल्यू इंश्योरेंस में दिखा रही है, इंश्योरेंस में 8 लाख रुपए दिखा रही है, तो उसमें 30% कम कर लीजिए। 30% कम करने के बाद अब आप गाड़ी में जो भी खराबी हो, जैसे इंजन अगर डैमेज है तो 50,000 लेस कर लीजिए, अगर चेचिस गड़बड़ है तो उसके लिए आप फिर 50,000 रुपये लेस कर लीजिए, कि इतना लेस करके आप गाड़ी का वैल्यू लगाइए। इसकी जैसे इंश्योरेंस हमने देख लिया, इसके साथ ही जब आप आरसी देखिए तो आरसी में आप ये देखिए कि गाड़ी फाइनेंस है, इसका हाइपोथिकेशन कटा है या नहीं कटा है, गाड़ी सिंगल ओनर है या डबल ओनर हो गए हैं, गाड़ी कितने साल पुरानी है, इसका मॉडल क्या है। इसके साथ ही आप ये गाड़ी का देख सकते हैं कि गाड़ी का जो ओनर है वो सेकेंड है, थर्ड है, फर्स्ट है, कौन सा ओनर है। बहुत लोग क्या करते हैं कि कई ओनर्स पे भी गाड़ी मेंटेन करके बेच देते हैं अच्छे पैसे के लिए, तो आप ये ओनर देख लीजिए। अगर सपोज करते हैं आपको थर्ड ओनर गाड़ी मिल रही या सेकेंड ओनर गाड़ी मिल रही, तो हर ओनरशिप पे करीब 1 लाख रुपये या 50,000 रुपये गाड़ी के हिसाब से कम कर सकते हैं। यानी आप यूँ मान लीजिए कि 50% का वैल्यू आप डाउन कर सकते हैं, अगर गाड़ी जैसे थर्ड ऑनर, फर्स्ट ऑनर या सेकेंड ऑनर है तो। फर्स्ट ऑनर से तो कोई दिक्कत नहीं, अगर सेकेंड और थर्ड है तो 50,000 रुपये लेस कर सकते हैं गाड़ी के कीमत से। साथ ही डिस्क्रिप्शन में मैंने एक नंबर दिया है, उस नंबर पर मैसेज करके आप गाड़ी की डिटेल पता कर सकते हैं, गाड़ी कौन से ऑनर की है क्या है। दोस्तों सबसे पहले आप वीडियोस को लाइक कर दीजिए, बाकी का मैं अभी और आपको बताता हूँ। अब हम इस पेपर को रख देते हैं और गाड़ी के अंदर की डैशबोर्ड को चेक कर लेते हैं। इस गाड़ी का डैशबोर्ड वगैरह कहीं चेक कर लीजिए, कहीं से डैमेज तो नहीं है। जैसा कि मैं ये देख रहा हूँ गाड़ी एक डॉक्टर की है, तो काफ़ी अच्छा इसका पोजिशन है, सब कुछ अच्छा है, कहीं से ज़्यादा डैमेज नहीं है। डैशबोर्ड भी फर्स्ट क्लास का है, यानी गाड़ी कहीं से एक्सीडेंट नहीं है। हाँ, इसका बोनट चेंज हुआ है जैसा कि मैंने आपको बताया है। अब हम गाड़ी की किलोमीटर चेक कर लेंगे, किलोमीटर क्या है। इसका किलोमीटर आप देख रहे हैं 68,396 किलोमीटर गाड़ी चली हुई है, यानी गाड़ी भी ज़्यादा चली नहीं है। पेट्रोल गाड़ी करीब आप 1 लाख किलोमीटर्स भी ले रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों हमने गाड़ी का इंजन भी चेक कर लिया, गाड़ी की बॉडी भी चेक कर ली और पेपर वर्क भी चेक कर लिया कि सारे पेपर सही है कि नहीं है। अगर गाड़ी में हाइपोथिकेशन चढ़ा है, जैसे किसी बैंक से फाइनेंस है, तो आप उसे कटाने का आग्रह कीजिए, बिना कटाए आप गाड़ी ना लीजिए। अब हम गाड़ी को टेस्ट ड्राइव करके चेक करेंगे। गाड़ी को सबसे पहले 3 से 4 बार सेल्फ लेंगे, उससे गाड़ी की बैटरी की पोजीशन पता चल जाएगी, बैटरी इसकी ख़राब है या सही है। तो आइए हम ड्राइव कर लेते हैं। ड्राइव करते समय हम गाड़ी की एसी चला के चेक कर लेंगे, एसी की क्या पोजीशन है। और गाड़ी चेक करते समय हम गाड़ी को करीब 40 स्पीड तक लेके जाएंगे, इससे हम चेक कर लेंगे कि गाड़ी की पोजीशन क्या है। अगर गाड़ी की पोजीशन कोई इंजन में डैमेज रहेगा तो 40+ लेके जाने के बाद, या फिर सस्पेंशन से अगर कोई दिक्कत होगी तो सस्पेंशन से दिक्कत करते समय जब आप गाड़ी ड्राइव करेंगे तो सस्पेंशन से आवाज़ आएगी, तो उससे आपको सस्पेंशन की पोजीशन पता चल जाएगी क्या पोजीशन है। जैसे इस गाड़ी में सस्पेंशन एकदम सही है, कहीं से कोई आवाज़ नहीं आ रही है, ना इंजन की आवाज़ है ना सस्पेंशन की आवाज़ है। इसका मतलब ये है कि गाड़ी पूरी तरह सही है, फर्स्ट ऑनर गाड़ी है और गाड़ी का मॉडल भी ज़्यादा नहीं है, 2014 मॉडल की गाड़ी है। इसका मतलब गाड़ी लेने लायक है और इस हिसाब से इसकी कीमत लगाई जाएगी। अगर गाड़ी का जो ऑनर है वो ज़्यादा कीमत मांगता है तो आप उससे ये चीज़ बता सकते हैं कि इस गाड़ी में ये चीज़ डैमेज है, जिस वजह से इसकी कीमत थोड़ी कम है। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें होने के बाद अब हम क्या करेंगे,
गाड़ी का टेस्ट ड्राइव भी हो गई, अब हम ऑनर से डायरेक्टली बात कर लेंगे कि कितने की वो गाड़ी दे रहे हैं या फिर क्या पोजीशन है। तो दोस्तों अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिए। फेसबुक पेज को भी फॉलो करें, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक हमने दे दिया है। तो दोस्तों मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।